हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर अभि शुक्ला आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सीबीएसई बोर्ड के मैथमेटिक्स पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कराने चल रहा हूं, जो कि एक क्वेश्चन है जो कि 2016 में आया था सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में। क्वेश्चन ये था कि प्रूव दैट टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन अपान टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन इज इक्वल टू वन प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपान वन माइनस साइन थीटा। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि हमें LHS है, मिडिल टर्म है और मतलब यहाँ तीन पार्ट में है, तो हमें काम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और फिर उसके बाद सेकंड जो कि मिडिल में है उसको लाएंगे, उसके बाद उसकी हेल्प से थर्ड वाला भी ले आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम LHS लेंगे, LHS लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। LHS में हमारा है टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन डिवाइड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। ओके, देखिए अगर हम यहाँ LHS और में जो दिया गया है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, उसमें अगर हम चेक करें तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन है, और टेन और सेक में अगर वन के फार्मूले को अगर हम यहाँ पर लिखें तो एक फार्मूला होता है जो कि आप सभी को याद होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। अगर मैं उस फार्मूले को यहाँ अप्लाई कर दूँ तो वो फार्मूला यहाँ पर क्या बन जाएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन की जगह हम पुट कर देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लगा देंगे दोनों तरफ, यहाँ भी है और यहाँ भी है, और अपान में हमारा जो है उसको हम वैसे ही नोट कर लेंगे। अपान में है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। फिर ध्यान से देखिएगा, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन है, इसको फिर से हम यहाँ पे एक बार नोट डाउन कर लेंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, अगर मैं ब्रैकेट में देखूँ तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएं तो वो फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो यहाँ पर ए की जगह सेक थीटा है, बी की जगह टेन थीटा है, तो हम ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, और अगले ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा, सेक थीटा सेक थीटा और ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा। ओके, और इसके बाद जो हमारा डिवाइड में है उसको हम वैसे ही नोट कर देंगे डिवाइड वाले टर्म को, वो क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। ध्यान से देखिएगा, यहाँ अगर मैं न्यूमरेटर में देखूँ तो एक टर्म अगर मैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा इन दोनों को एक साथ ले लूँ तो एक टर्म ये हमारा हो गया, और बाकी ये दो टर्म जो इसके माइनस में हैं तो दोनों में अगर देखा जाए तो एक ब्रैकेट हमारा कॉमन दिख रहा है, जो कि क्या है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा कह लीजिए, चाहे सेक थीटा प्लस टेन थीटा कह लीजिए। ओके, तो यहाँ पर अगर हम वन ब्रैकेट को यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो देखिए हमारा क्या बन जाता है, हमारा ये आ जाएगा बाहर, अगर हमने बाहर कर लिया एक ब्रैकेट टेन थीटा प्लस सेक थीटा को अगर हमने बाहर कर लिया तो उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट में बचा क्या, यहाँ तो बच गया वन इसकी जगह पे फर्स्ट वाले टर्म की जगह पे, और माइनस सेकेंड वाले टर्म में क्या बच जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा।
और डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हमारा वही हो जाएगा सेम वैल्यू जिसको हमने यहाँ पे अभी लिखा है, टेन थीटा माइनस सिक थीटा प्लस वन। ओके आइए अब ध्यान से देखिएगा, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाद हम करेंगे ये कि टेन थीटा प्लस सिक थीटा को वैसे ही नोट डाउन कर लेंगे, टेन थीटा प्लस सिक थीटा को वैसे ही नोट कर लेंगे, और जो हमारी ब्रैकेट में वैल्यू है वो बची वन, माइनस का अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सिक थीटा हो जाएगा, और माइनस और का माइनस में प्लस, टेन थीटा हो जाएगा, और ब्रैकेट हमारा क्लोज हो जाएगा। और डिवाइड में हमारा अगर देखा जाए तो ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हर में है उसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, पहले प्लस वाले को लिख लूँ तो यानी वन, फिर लिख लूँ माइनस सिक थीटा, फिर लिख लूँ प्लस टेन थीटा। तो देखिए जो हमारा एक डिनोमिनेटर में वैल्यू है वही एक वैल्यू हमारा न्यूमरेटर में भी है, अंश में भी है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा, ये इससे कट आउट हो जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास बचा क्या, हमारे पास केवल बचा है अब टेन थीटा प्लस सिक थीटा। ओके अब ध्यान से देखिएगा, टेन थीटा बराबर आपने फार्मूला देखा होगा कि टेन थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और सेक थीटा की जगह हम जानते हैं वन अपॉन कॉस थीटा, तो ये होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और सेक थीटा की जगह ले सकते हैं वन अपॉन कॉस थीटा। तो चूंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे जो डिनोमिनेटर हैं वो सेम हैं, तो हम न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर लेंगे तो हमारा एक आ जाएगा ये साइन थीटा प्लस वन अपॉन कॉस थीटा, ये हमारा मिडिल टर्म आ गया जो मुझे प्रूफ करने में दिखाना था। अब हम लाते हैं लास्ट जो कि हमारा आरएचएस होगा राइट हैंड साइड में जो लिखा था, अगर यहाँ देखा जाए साइन थीटा प्लस वन है, इसको हम समझेंगे कि वन प्लस साइन थीटा है, तो अगर हम इसमें इसके जो संयुग्मी होते हैं कॉन्जुगेट होते हैं उसका अंश और हर में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा वन प्लस साइन थीटा पहले से है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, वन माइनस साइन थीटा होगा। अगर हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वैसे ही क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, वन माइनस साइन थीटा। तो अब हम यहाँ देखें कि वन प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में है, वन माइनस साइन थीटा दूसरे ब्रैकेट में है, तो ये बना देगा ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला, तो ये बन जाएगा हमारा ऊपर वन का स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और नीचे हमारा कॉस थीटा है वन माइनस साइन थीटा, उसको मैंने वैसे नोट कर लेंगे। अब अगले लाइन में देखें, अगर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और वन माइनस साइन थीटा आया हमारा, तो ऊपर स्क्वायर है नीचे एक है तो ये एक कट जाएगा, तो अब हमारा क्या आ गया, इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा, तो ये हमारा क्या आ गया आर एच एस। अब यहाँ आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए कि क्वेश्चन जो था हमारा वो क्वेश्चन ये था, ठीक है, उस क्वेश्चन में हमें लाना क्या था, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन इज इक्वल टू वन प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपन वन माइनस साइन थीटा, यही प्रूव करना था। तो हम एल एच एस को लिए और इसको सॉल्व करते चले गए तो हमारा देखिए ये सॉल्व होने के बाद हमारा ये सेकेंड पार्ट आया, इसको हम कहेंगे कि हमारा क्या आया, ये है हमारा सेकेंड वाला पार्ट, सेकेंड पार्ट, और उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व कर लिया तो ये हमारा क्या आ गया, थर्ड पार्ट, ठीक है। तो ये इसका पूरा कैलकुलेशन था, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।